वेलकम दोस्तों, अगर आपके बालों की ग्रोथ स्पीड बहुत स्लो है, अगर आप अपने बालों को सुपर फास्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर बस कट हेयर स्टाइल करवाते हो या फिर आप लॉन्गर हेयर स्टाइल को भी प्रेफर कर सकते हो। अगर आप अपने बालों को सुपर फास्ट तरीके से ग्रो करना चाहते हो तो आपने कुछ एलिमेंट्स को फॉलो करना है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ट्रिक्स, प्रिंसिपल्स थ्रू विच यू कैन ग्रो हेयर फास्टली। सबसे पहले स्टेप में अगर बालों को फास्ट तरीके से एज फास्ट एज पॉसिबल हो तो हेल्दियर हेयर हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ फ्यू एलिमेंट्स जिन पर आपने फोकस करना है एंड यू कैन ग्रो हेयर फास्टली। एलिमेंट नंबर वन, आपने हेल्दी डाइट को फॉलो करना है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने वो डाइट इंक्लूड करनी है जिसमें रिच प्रोटीन्स हों, आयरन और विटामिन्स हों। आपको काफ़ी एग्स, नट्स, लीफी ग्रीन्स और फैटी फिश को डाइट में इंक्लूड करना है। एलिमेंट नंबर टू, टेक केयर योर स्कैल्प। दोस्तों हेल्दी स्कैल्प बहुत असेंशियल है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। अपने स्कैल्प को गुड कंडीशन में रखने के लिए आपको जेंटल शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करना है हफ्ते में दो मरतबा, और गर्म पानी से हेयर वॉश करने से अवॉइड करना है क्योंकि हॉट वाटर आपके स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को ख़त्म करता है। आपको हॉट वाटर से हमेशा अवॉइड करना है। एलिमेंट नंबर थ्री, आपको अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है और हाई लेवल स्ट्रेस आपके हेयर ग्रोथ को कम करने में इंटरफेयर करता है। रिलैक्सेशन मेथड के थ्रू आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो लाइक मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। एलिमेंट नंबर फोर, अवॉइड हीट स्टाइलिंग। अगर आप हेयर टूल्स लाइक ब्लो ड्रायर, फ्लैट आयरन या फिर कर्लिंग आयरन यूज करते हो तो स्टॉप यूजिंग दीज टूल्स, जो हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं जिससे हेयर ब्रेकेज स्टार्ट होती है, इसके बाद हेयर की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। अगर इन टूल्स को आप यूज़ करते हो तो आपको हीट प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करना होगी। एलिमेंट नंबर फाइव, गेट रेगुलर ट्रिम्स। अगर आपने अपने बालों को ग्रो करना है तो एक रेगुलर ट्रिम आपके बालों को स्प्लिट एंड से और ब्रेकेज से प्रिवेंट करता है, और ये दो चीज़ें आपके हेयर ग्रोथ को स्लो करती हैं। आपको एक शॉर्ट और क्विक ट्रिम करवाना है और बालों के डेड एंड्स को एटलीस्ट 6 वीक्स या फिर 8 वीक के अंदर ट्रिम करवाना है। एलिमेंट नंबर सिक्स, नेचुरल रेमेडीज़। कुछ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ जिनमें अनियन जूस, एलोवेरा और रोजमेरी ऑयल आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट देती हैं, आपने इनको स्कैल्प पर अप्लाई करना है। एलिमेंट नंबर सेवन, एक्सरसाइजेज। दोस्तों ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि माइंड को हेल्दी रखती है। एक्सरसाइजेज आपके हेयर स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं और हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। आप जानते हो कि कैसे हेल्दी हेयर पर फोकस करना है, मगर मुकम्मल तौर पर आप अभी तक नहीं जानते। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जिनसे आप अपने हेयर्स लेवल को बहुत ग्रेट हद तक केयर कर सकते हो। मेरे दोस्तों, क्लीन और हेल्दी स्कैल्प डेफिनेटली बहुत असेंशियल हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए। मेरा सजेशन ये है कि आपको एक स्कैल्प मसाजर से स्कैल्प पर मसाज करना है। इससे पहले आपने कोकोनट ऑयल लगाना है, फिर इससे मसाज करना है। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, स्कैल्प मसाज आपको गुड फीलिंग देता है। ये एक नेचुरल वे है फास्टर हेयर ग्रोथ का। क्विकली रिजल्ट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो। नंबर वन, बायोटिन सप्लीमेंट। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बायोटिन सप्लीमेंट्स हैं। बायोटिन एक बी विटामिन जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत असेंशियल है। बायोटिन सप्लीमेंट को लेकर आप हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हो, इसके अलावा बालों को स्ट्रेंथन और थिक बना सकते हो। नंबर टू, हेयर ग्रोथ शैम्पू एंड कंडीशनर्स। अगर आप काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आना चाहते हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो ओनली हफ्ते में 2 दफ़ा। नंबर थ्री, हेयर ग्रोथ सीरम्स। हेयर ग्रोथ सीरम आपके हेयर को प्योरली एंड श्योरली फास्टर ग्रोथ देता है। आप इसे अपने बालों के स्कैल्प में लगा सकते हो, और इनमें कुछ असेंशियल इंग्रेडिएंट्स सच एज मिनेसोटा जो कि इफेक्टिव हेयर ग्रोथ के लिए प्रूवन है। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने बालों की ग्रोथ के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। जो भी हो, हिम्मत मत हारें। ओके, बाय बाय।